नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर वन और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा। मैं हूं आपके साथ अतुल प्रताप सिंह। जिस सिस्टम से जनता का सरोकार जुड़ा है, उस सिस्टम में सुधार कैसे होगा, ये सवाल हमेशा से रहा है। सरकार और अफसरशाही दो ऐसे तंत्र हैं जिससे जनता का सीधा सरोकार होता है और सरकार जनता के लिए होती है। लेकिन आज ना तो सरकार जनता की उम्मीदों पर चाहकर भी खरी उतरती दिखाई दे पा रही और ना ही अफसरशाही सुधरने का नाम ले रही। कोई भी ऐसा विभाग नहीं जहां लोगों को अपने काम के लिए चक्कर ना लगाना पड़ता हो। कहीं कर्मचारी समय पर दफ्तर नहीं आते तो कहीं अधिकारी टाल मटोल करते नजर आते हैं। नतीजा ये होता है कि अधिकारियों और दफ्तरों के चक्कर लगाते लगाते लोगों की चप्पलें घिस जाती हैं। इस मुद्दे पर चर्चाएं रोज होती हैं, सरकार की तरफ से कोशिशें भी होती हैं, लेकिन एक्शन का असर नहीं होता क्योंकि कई बार एक्शन भी होता है। हालांकि एक बार फिर से सीएम फ्लाइंग की टीम ने छापेमारी की और उम्मीद उससे जगी कि लेट लतीफ अधिकारियों के रूटीन में अब आगे से सुधार होगा। लेकिन रिकॉर्ड देखने से ऐसी शंका भी होती है कि शायद नहीं भी होगा। दरअसल पूरे प्रदेश में सीएम फ्लाइंग स्क्वाड ने छापेमारी की। हरियाणा में किस तरीके से अफसरशाही है, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण में हुई छापेमारी से प्रदेश में हड़कंप मच गया, उनकी कलाई खुल गई। कई जिलों में अधिकारी और कर्मचारी समय पर दफ्तर में नहीं पहुंचे और कई ऐसे अधिकारी कर्मचारी भी थे जो कि घंटों की देरी से रोजाना अफसर पहुंचते हैं, दफ्तर पहुंचते हैं। सुबह 9 बजे से सीएम फ्लाइंग की टीम ने छापा मारा। सुबह 9 बजे से चूंकि दफ्तर खुलने का समय होता है और सभी अधिकारियों और उसके साथ साथ कर्मचारियों को सख्त लहजे में पहले से आदेश दिया गया है कि वो समय पर दफ्तर पहुंचें, लोगों की समस्याएं सुने, उसे दूर करें। लेकिन जब छापेमारी हुई तो लेट लतीफ बाबुओं की कारगुजारी सामने थी। कहीं अधिकारियों के दफ्तर में कुर्सी खाली पड़ी थी तो कहीं कर्मचारी भी दफ्तर से गायब थे। गुरुग्राम के एचएसवीपी दफ्तर की अगर बात करें तो यहां पर करीब 125 अधिकारी और कर्मचारी तैनात हैं, लेकिन सुबह 9 बजे तक सिर्फ 43 कर्मचारी ही मौके पर थे। कैथल के दफ्तर का भी यही हाल था, कुल 27 कर्मचारियों में सिर्फ 9 कर्मचारी ही समय पर थे, बाकी सभी लेट लतीफी में फंस कर रह गए। और रोहतक दफ्तर की बात करें तो करीब 50 कर्मचारी वहां भी गायब मिले। बहादुरगढ़ में करीब 15 कर्मचारी गैर हाजिर मिले। सिरसा में 12 में से 5 कर्मचारी समय पर ऑफिस नहीं आए थे। ये हालात प्रदेश के लगभग हर एक तमाम दफ्तरों की थी, जिसकी हकीकत आज सामने आई है। तो ये हम नहीं कह रहे, बल्कि सीएम स्क्वाड ने जब छापेमारी की तो उससे ही हकीकत सामने आई, जिस पर हम चर्चा करेंगे। ये हालात प्रदेश के लगभग हर एक दफ्तर के हैं, एचएसवीपी के, जहां पर करनाल की बात कर लें, यमुनानगर की बात कर लें, भिवानी, सिरसा, फरीदाबाद, हर जिले में कहीं अधिकारी कहीं कर्मचारी गायब थे। पंचकुला स्थित एचएसवीपी के मुख्यालय में भी छापेमारी हुई। सीएम दस्ता जब वहां पर पहुंचा तो एसपी ने क्या कुछ कहा छापेमारी को लेकर और वहां के नजारे को देखकर, सुनिए। ये पूरी स्टेट में सीएम फ्लाइंग स्क्वाड ने चेकिंग करी है। आज जितने भी हुडा ऑफिसर्स हैं पूरे राज्य में, इसका मेन मकसद यही है कि एक तो हमने अटेंडेंस चेक करनी है, दूसरा पब्लिक डिलीवरी सिस्टम, जितने पब्लिक डीलिंग वाले काम हैं उसमें अननेसेसरी डिले नहीं है, उसको चेक करने का ये प्रयास किया है। ये रिपोर्ट पूरी स्टेट वाइड कलेक्ट हो रही है, वो अभी मेरे पास डाटा नहीं है, वो अभी थोड़े दिन तक बता। कहीं ना कहीं सुनिश्चित किया जा रहा है कि लोग जो कर्मचारी हैं समय पर आए और पब्लिक को कर्मचारी समय पर आए और जनता को कोई तकलीफ ना हो, वो अपना जो जिस काम के लिए भी सरकारी कार्यालय में आते हैं वो उनको डिलीवरी मिले, समय पे मिले और तुरंत मिले। तो हालांकि इससे पहले भी आरटीओ विभाग में सीएम दस्ते ने छापेमारी की थी, उस समय भी लेट लतीफी, अधिकारियों का ना आना, कर्मचारियों का ना आना, उसकी सूची तैयार हुई, लेकिन कार्रवाई क्या हुई इसका कोई आधिकारिक रिकॉर्ड सार्वजनिक नहीं हुआ। अब एचएसवीपी कार्यालय में भी छापेमारी से सवाल यही उठता है। हमारा सवाल पहला यही होगा कि क्या छापेमारी के बाद अब भविष्य में हालात सुधरेंगे दफ्तरों के और वहां का नजारा बदलेगा। सवाल दूसरा भी है कि क्या दूर हो पाएगी एचएसवीपी के कर्मचारियों अधिकारियों की लेट लतीफी। यहां पर सबसे मूल प्रश्न यह है कि सरकार के एक्शन के बाद, सरकार की नीति नियति और मंशा के बाद भी उसका असर क्यों नहीं है, क्योंकि सरकार की यह दूसरी पारी है, दूसरा टर्म है। पहली पारी में भी यही मंशा थी और यही कोशिश थी कि सुधार करें, लेकिन सुधार दूसरी पारी में भी दिखाई नहीं दिया। खुद दस्ते
जो कि सीएम का ही दस्ता है उसकी छापेमारी में। हमारे साथ कुछ खास मेहमान, उनसे मैं आपको तारुफ कराता हूं, चर्चा में आगे बढ़ते हैं। चंडीगढ़ से हमारे साथ जवाहर यादव है, प्रवक्ता बीजेपी के, वो स्वागत जवाहर यादव आपका। रंजीता मेहता हमारे साथ, प्रवक्ता कांग्रेस की है, वो स्वागत है रंजीता आपका। साथ ही भाग सिंह दमदमा है जेजेपी की तरफ से, वो स्वागत है दमदमा साहब आपका। और रणवीर लोहान है प्रवक्ता इनेलो के हमारे साथ, बहुत स्वागत है लोहान साहब आपका। इसके अलावा गुरुग्राम से नवीन पांचाल वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं, बहुत स्वागत है पांचाल साहब आपका भी। सबसे पहले नवीन पांचाल, मैं शुरुआत आपसे ही करूंगा क्योंकि राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप तुरंत शुरू हो जाएंगे जैसे ही हम पार्टी के प्रवक्ताओं के पास जाएंगे। मेरा वही मूल प्रश्न है कि सरकार की दूसरी पारी, पहली पारी की सरकार और सरकार के मुखिया की वही नीति, वही मंशा और उतनी ही कोशिश, लेकिन दूसरी पारी में भी उनके ही दस्ते की छापेमारी में हकीकत क्या है वो सामने आ गई। सुधार क्यों नहीं, डर नहीं, भय नहीं, एक्शन नहीं, कार्रवाई नहीं, या सिर्फ कार्रवाई के नाम पर छापेमारी, ये हकीकत अफसर और कर्मचारी भी जानते हैं। चले, शायद मेरी आवाज उन तक नहीं जा पा रही है। बहुत जल्दी से जवाहर यादव साहब, सवाल आपसे, यही सवाल। आपने मुझसे क्या पूछा? जी जी जवाहर जी, वही सवाल था जो मैंने पांचाल साहब से पूछा कि सरकार की दूसरी पारी, पहली पारी की सरकार की वही मंशा, वही मंशा दूसरी पारी में भी, सरकार की कोशिश, नीति, नियति, उसके साथ साथ मंशा के ऊपर पानी फेर रहे कर्मचारी, ये खुद सीएम दस्ता की छापेमारी में निकल कर आ रहा, क्यों आखिर सुधार नहीं हो रहा? देखिए, इसमें एक चीज तो आई कि कम से कम आप इस चीज का मानते हैं कि सरकार की नियत में और मुख्यमंत्री की नियत बड़ी स्पष्ट रूप से है कि इस प्रदेश में भ्रष्टाचार, सुशासन और लेट लतीफी नहीं चलेगी। उसके बाद आपका दूसरा यह है कि परंतु उस पर भी कुछ लोग पुलिदा लगाते हैं या उस मिशन को फेल करते हैं। देखिए, जब आप लगातार प्रयास करते रहेंगे, निश्चित रूप से आज तक की ऐसी परंपराएं रही हैं, और मैं ये नहीं कहता कि हमारी सरकार आने पर भी वो बिल्कुल ठीक हो गई है, परंतु सरकार की मंशा और अच्छे कर्मचारियों की भी मंशा, दोनों की यह है कि जिस विभाग से वो सैलरी लेते हैं अपने उस दायित्व को निभाए, जो उसमें लेट लतीफी करते हैं उनको निश्चित रूप से समय पे आना चाहिए। और जब सीएम फ्लाइंग स्क्वाड काम करता है, वो केवल भ्रष्टाचार को भी नहीं रोकता, साथ में वो ये भी ध्यान रखता है कि सरकार का मिशन है कि लोगों को सुशासन प्राप्त होना चाहिए, यानी कि कई बार इसमें भ्रष्टाचार भी नहीं होता। मान लीजिए आपने कोई अपना जन्म प्रमाण पत्र लेना है या मृत्यु प्रमाण पत्र लेना है या आपने कोई सरकारी हाउस टैक्स जमा कराना है, उसकी प्रक्रिया भी इतनी सरल हो और उसकी गति इतनी तेज हो, जो सिटीजन चार्टर में लिखा हुआ समय है उस पर वो सब चीजें पूरी होनी चाहिए, तो उसकी भी गति बनी रहे। और जब सीएम फ्लाइंग स्क्वाड जब काम करता है तो अधिकारी पे तो उसका असर पड़ता ही पड़ता है, परंतु जब वहां आपको लोग मिलते हैं जो अपना पक्ष या अपना लिए कोई चीज मांगने आए होते हैं, चाहे कोई प्रमाण पत्र होता है या कोई अपने दस्तावेज जमा कराते हैं, उनके उस समय के क्या अनुभव है। जैसे इसी फ्लाइंग स्क्वाड में कल हुआ कि एक, आज जो जानकारी मिली कि जेई एक था, तो वहाँ एक व्यक्ति ने बताया थी कि शुक्रवार को मेरे से जेई की दिक्कत हुई, उन्होंने कुछ इनडायरेक्ट या डायरेक्ट रूप से उनको चाहा होगा, तो उसमें ये विषय आया कि उन्होंने दिया नहीं तो वो बेचारा वहाँ पर मिल गया, उसने कहा जी अब मेरी फाइल को खराब करने की कोशिश हो रही है। तो आपको फीडबैक भी मिलता है कि सुशासन देने के लिए हमें और क्या क्या चीज़ें ठीक करनी चाहिए। और मैं ये मानता हूँ, और आपके टीवी चैनल के सामने आपकी उपस्थिति में मान रहा हूँ, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि हमारे प्रशासन में, हमारे शासन में सब कुछ अच्छा हो गया है। हमने बहुत प्रयास किए हैं, मुख्यमंत्री ने काफी चीजें ठीक हुई है, उसमें ऑनलाइन ट्रांसफर उसी का विषय है, जो किसानों के अकाउंट में पैसा जाता है वो उससे ही संबंधित है, आपको अपनी फर्ज किसान को अब ऑनलाइन मिलने लगी है, उसकी दिशा में बढ़ाए गए कदम है। परंतु फिर भी इसमें लगातार हर समय काम करने की आवश्यकता है, इसको ठीक है। जवाहर जी मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ कि लगातार काम करना जरूरी होता है, मैं इस बात से सहमत हूँ। और आपकी बड़ी ईमानदार बात है ये कि आप ये कह रहे हैं कि नहीं, पूरी तरह से सुधार नहीं हुआ, ये भी आपने ईमानदारी से कहा, ये अच्छी बात है। लेकिन आपने कहा कि कम से कम मैं भी मानता हूँ, मैं मानता नहीं हूँ, मैं आपकी सरकार जो कहती है वो बताता हूँ कि हाँ सरकार ने ये कहा है। आपने कहा कुछ लोग,
125 जहां पर लोग हैं वहां पर 43 पहुंचे दफ्तर में समय पर। आपने कहा जब एक्शन होता है तो फीडबैक भी मिलता है, आरटीओ दफ्तर पर भी एक्शन हुआ था, आज तक उसका फीडबैक सार्वजनिक नहीं हुआ है। यही तो सवाल है ना कि आपकी मंशा होने के बाद जो आप कहते हैं, जो मैं नहीं मानता हूं आप कहते हैं, उसके बाद भी अगर इस लेवल पर लोग लेट लतीफी कर रहे तो फिर आप इसको किस तरीके से देख रहे हैं कि नहीं निरंतर प्रयास का अधिकतम नतीजा निकल रहा। देखिए जो आप जिस आरटीए की छापामारी की बात कर रहे थे 31 दिसंबर 2019 को वो किया गया था, उसके बाद ऐसा नहीं है कि उसमें जिस जिसके खिलाफ जो एक्शन लेना था वो एक प्रक्रिया उसके तहत वो एक्शन हुआ होगा। और जब हम अपनी वार्षिक रिपोर्ट कोई भी विभाग देता है तो उसमें ये बताता है कि इतने लोगों के प्रति इतनी ये एक्शन लिए गए थे, वो जांच में ठीक पाए गए और जिसमें जांच में जो तथ्य ठीक पाए गए उस पर कार्रवाई की गई। उसके लिए अब ये विभाग को देखना है, सीएम फ्लाइंग स्क्वाड शायद अपनी कोई प्रेस वार्ता करता है नहीं करता मुझे इसका ज्ञान नहीं है, परंतु जब उसकी वार्षिक रिपोर्ट आती है उसमें बिल्कुल उसका उल्लेख होता है कि उन्होंने पूरे साल भर में अपनी तरफ से क्या क्या किया, उसमें क्या निकला और किस पर एक्शन की आवश्यकता उस समय समझी गई। क्योंकि जो तथ्य उस समय बताए गए, मान लीजिए किसी कर्मचारी किसी अन्य व्यक्ति ने यह कहा कि फला कर्मचारी मुझे कंप्लेन कर रहा है, मुझे परेशान करता है, तो आपको उस दिन तो आपने नोट कर लिया कि फला कर्मचारी ने किसी एक सज्जन को परेशान किया, परंतु फिर दोनों तरफ से दस्तावेज मिलते हैं, जो व्यक्ति आरोप लगा रहा था उसकी ठीक है, छापेमारी एक प्रक्रिया है निरंतर वाली, उसके बाद एक्शन भी एक प्रक्रिया है, उसका वार्षिक रिपोर्ट जब आती है तभी डिटेल मिल पाएगा। जवाहर जी को इसकी जानकारी नहीं है, उन्होंने ईमानदारी से बात करी। रंजीता मेहता, निरंतर प्रयास से सुधार तो होगा, ये बात तो सही है, प्रयास करने से सुधार होता है, लेकिन ये जो सुधार दिखाई दे रहा है कहने के बाद, एक्शन के बाद, छापेमारी के बाद, नई छापेमारी में पुराना हाल ही दिखे तो सुधार बेहतर है। देखिए अतुल, अच्छी बात है कि जवाहर जी ने इस बात को स्वीकार किया कि निश्चित तौर पे कोई भी डिपार्टमेंट है उसमें हमेशा सुधार की गुंजाइश रहती है। और जहां तक HSVP डिपार्टमेंट की बात है, पहले इसका पुराना नाम जो हुडा था तो लोग उसकी फुल फॉर्म बताया करते थे, हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी नहीं बल्कि हरासमेंट अंटिल द डेथ ऑफ द अथॉरिटी। हुडा डिपार्टमेंट की स्पेशली जब बात की जाती है तो अधिकारी जो है सुबह 10 बजे तक सीट पर नहीं आते, 12 बजे से उनका लंच टाइम शुरू हो जाता है, वो लंच टाइम 3 बजे तक चलता है, 3:30 तक वो वापस सीट पर आते हैं और 5 बजे दोबारा बस्ते गुल हो जाते हैं। तो फाइल एक टेबल से दूसरी टेबल पर खिसकाने के लिए 1.5 से 2 महीने का आम टाइम माना जाता है। तो इस हद तक परेशानी है कि चप्पल चुतियाँ घिस जाती हैं पर हमारी फाइल मूव नहीं होती और काम आराम से नहीं होता जब तक वहाँ पे भ्रष्टाचार ना हो। तो मेरा ये मानना है कि अगर इस तरीके की फ्लैंक स्क्वेड आती है, छापेमारी होती है, निश्चित तौर पे अधिकारियों के ऊपर एक दबाव पड़ता है, पर जब एक्शन नहीं होता तो दुर्भाग्यपूर्ण होता है और जनता जनार्दन सोचती है कि एक बार आए आकर चले गए और कार्रवाई तो कोई होनी नहीं है। अगर हम पहले पिछली बात करते हैं, दान घोटाला बहुत बड़ा घोटाला पकड़ा गया था, पीके दास जी ने लंबी चौड़ी रिपोर्ट बनाई थी, 90 करोड़ का चपत भी सरकार को लगी थी। आप ताजुब मानेंगे 3 बार 4 बार जाँच हुई और उन्हीं अधिकारियों को रिपीटेडली जाँच पर लगाया गया जिनकी जाँच से पहले संतुष्टि नहीं थी। मेरे पास फिल्म रिकॉर्ड है, मैं आपको विद प्रूफ दिखा सकती हूँ कि वही अधिकारी दोबारा लगाए गए। पर आज कितनी जो मिल्स हैं उनको ब्लैकलिस्ट किया गया, क्या किसी का नाम बताया जा सकता है? कितनी मिल्स अधिकारियों के जो है के खिलाफ कार्रवाई हुई उसका नाम बताया जा सकता है? तो सिर्फ लीपापोती करना और ये कहना कि सरकार एक्शन मोड में और काम कर रही है पर उसके बाद एक्शन ना होना वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इसी तरीके से पीछे ग्रुप डी की अभी भर्तियाँ हुई थी 2018 के अंदर 18,000 लोगों की, उसके अंदर जो वेटिंग है वो 6 महीने के अंदर अंदर क्लियर करनी होती है, पर दुर्भाग्यपूर्ण ये बात है कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद आज 1.5 साल हो गया, वो वेटिंग आज तक क्लियर नहीं हुई, ना ही किसी के खिलाफ आज तक कार्रवाई हुई है। तो सिर्फ ये चीजें करके अगर आप टीवी पे उस दिन चलते हैं पूरा दिन कि आज पूरे दिन हमारी फ्लाइंग स्क्वाड गई और हमने अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की, इतने लोग नहीं आए, इतने लोग एब्सेंट थे, मजा तब आएगा कि अगली डिबेट पे हम जब बैठे तब ये हो कि जिन जो अधिकारी नहीं आए थे उनके खिलाफ ये एक्शन हुआ ताकि बाकी लोगों को शिक्षा मिले और उससे जो है निश्चित तौर पर सुधार। नहीं बिल्कुल, आपका ये सुझाव बहुत बेहतर है रंजीता, और आज मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि ईमानदारी की बयार बह रही है। जवाहर भाई भी ईमानदारी से स्वीकार कर रहे हैं, रंजिता बहन भी ईमानदारी से स्वीकार कर रही हैं। पहले हरासमेंट करके आपने जो नाम बताया कि उस डिपार्टमेंट का ये नाम होता था, इतनी ईमानदारी आपने दिखाई कि हाँ उस समय आपके रहते उस डिपार्टमेंट को लोग इस नाम से पहचानते थे और अब इस नाम से पहचानने के इतर काम वही हो रहा है तो बदला क्या है? जवाहर जी इसका कुछ जवाब देंगे छोटा सा, उसके बाद मैं लोहान साहब के पास जाऊंगा।
देखिए नियत ही होती है, मैं फिर कह रहा हूँ मुख्यमंत्री का जी का बड़ा स्पष्ट रूप से मानना है, जैसे जितनी जल्दी आप हर विषय में टेक्नोलॉजी को डाल देंगे वैसे वैसे भ्रष्टाचार कम होता चला जाएगा। हमने आधार का उपयोग किया इसलिए जो 4 लाख बच्चों के फर्जी एडमिशन थे जिसके कारण वो मिड डे मील, उनकी ड्रेस, उनकी बाकी चीजें, वजीफा खाया जाता था, वो बंद हो गया। और मुझे पुराने आंकड़े याद है जब 2015-16 में 350 करोड़ और 16-17 में 267 करोड़ रुपए केवल चीजों के आधार लिंक करने से भ्रष्टाचार रुका। और उसके अलावा जब सिटीजन चार्टर लागू किया गया जिसमें जवाबदेही हुई कि किसी भी उस पर इतने दिनों में आपको उसको जवाब देना चाहिए, किसी ने कोई प्रतिलिपि मांगी है वो इतने दिन में मिलनी चाहिए, जन्म प्रमाण पत्र इतने दिन में बनना चाहिए, अब नहीं बनता है अगर उसमें कोई कारण नहीं है। मान लीजिए जिसने ये चाहा कि मुझे मृत्यु प्रमाण पत्र मिलना चाहिए, किसी सज्जन की मृत्यु हुई, उसने अगर सारे दस्तावेज जमा करा दिया तब भी अगर वो नहीं मिलता उस पर आज कानून है। और मुख्यमंत्री ठीक है, ठीक है जवाहर जी, मैं समझ गया कि बदलाव आपने तकनीकी तौर पर भी किया है। आऊंगा जवाहर भाई, आऊंगा फिर आगे भी आपके पास मौका होगा, अपनी बात आप रखिएगा, नहीं आगे भी आपके पास मौका होगा। रणवीर लोहान से एक टिप्पणी ले लूं उसके पहले, रणवीर लोहान बहुत जल्दी से सीधा सा सवाल है, छापेमारी से सुधरेंगे अधिकारी? जी अतुल जी बिल्कुल नहीं छापेमारी से सुधरने वाले कर्मचारी। इसका सीधा सा कारण ये कि 5.5 साल से सरकार जो काम कर रही है, इनका जो ढुलमुल रवैया है वो सरकारी कर्मचारियों के दिमाग में केवल मात्र एक ही बात है कि सरकारी कर्मचारी और सरकारी तंत्र दोनों मिलकर के अगर भ्रष्टाचार में लिप्त होगा तो सरकार में बैठे जो कर्मचारी हैं वो लेट लतीफ ही मिलेंगे। और इसका सीधा सीधा उदाहरण भी हम कई बार यहाँ डिबेट भी कर चुके हैं कि जैसे नशा है, नशे के ऊपर आज तक कोई अंकुश नहीं लग पाया क्योंकि सारा सरकारी तंत्र और सारे कर्मचारी और सरकार में बैठे मंत्री संतरी सब इसमें लगे पड़े हैं। नहीं तो क्या मजाल कि नशे के एक बूंद भी हरियाणा के अंदर आ जाए, जहां दूध दही का खाना देशों में देश हरियाणा होता था, आज हरियाणा कहां पहुंच गया पूरा हरियाणा जानता, पूरा देश जानता है, पूरे हिंदुस्तान के अंदर नंबर एक पे है आज हरियाणा, बेरोजगारी में नंबर दो पे है हरियाणा, पहला त्रिपुरा में है। आज अगर आप देखोगे आम आदमी बहुत ज़्यादा दुखी है। जैसे जवाहर यादव जी ने बात करी कि जन्म प्रमाण पत्र बनवाइए, मैं अतुल जी ईमानदारी से के साथ बोलना चाहूँगा कि मैं खुद 2 महीने से मेरा खुद का प्रमाण पत्र बनवाने पर लगा हूँ, लेकिन नीचे से ऊपर तक कहीं भी किसी भी ऑफिस में मुझे उन कर्मचारियों के द्वारा उन लोगों ने मेरे को अच्छे ढंग से डील नहीं किया, मैंने उनको कुछ दिया नहीं, उन्होंने मेरा काम किया नहीं। ये सरकारी तंत्र है, उसको किसी भी तरह का सरकार का कोई खौफ नहीं है, ना हमारे जैसे किसी भी विपक्ष में बैठे किसी नेता का, या हम एक प्रदेश प्रवक्ता हमने बार बार कहने के बावजूद भी मतलब नहीं है आज सरकार का किसी भी तरह का डर भय। आम आदमी बिल्कुल परेशान है, पहले से ज्यादा साहब मेरा जो सवाल था और आपने अपना भी उदाहरण उसमें दिया, जवाहर जी इसका जवाब देंगे और जवाहर जी इसमें चाहूंगा कि कम से कम लोहान साहब का तो जन्म प्रमाण पत्र बनवा दिया जाए, उनको भी देखिए बिना कुछ दिए नहीं मिल रहा है प्रमाण पत्र। लेकिन लोहान साहब एक सवाल ये है मेरा छोटा सा, आप कह रहे हैं छापेमारी से अधिकारी नहीं सुधरेंगे तो क्या लठमारी से सुधरेंगे? देखिए जी ऐसा है, सरकार को सख्त होना पड़ेगा और सरकार को कर्मचारी के थ्रू जो लेना देना है ना वो चलता है जो कई सदियों से, वो बंद करना पड़ेगा, तब कर्मचारी के दिमाग पे ऊपर सरकार में बैठे मंत्रियों का खौफ होगा। चलिए अब लोहान साहब, और आम आदमी सदियों से अगर लेना देना है तो उस सदी में आपकी भी सरकार कहीं ना कहीं रही होगी। चौटाला के राज में नहीं था, अभी तो आपने सदियों कहा था, आप कह रहे हैं चौटाला के राज में नहीं था, मैंने तो बोला नहीं भाई, आप ही ने कहा सदियों से था, अब सदियों में तो देखिए आप भी आएंगे, ये भी आएंगे और वो भी आएंगे, अब आप कह रहे हैं चौटाला नहीं आएंगे, कांग्रेस का राज भी था और बीजेपी का राज भी था। अरे मैंने नहीं बोला, 5 साल से आपने ये कहा होता कि सदियों से चौटाला हटाकर सदियों से चल रहा था तो मैं उसको मानता, पहले आपने कहा सदियों से जो चल रहा, आप कह रहे हैं कि चौटाला में नहीं था तो सदियों में तो तीनों आएंगे ना, कोई बात नहीं, कोई बात, हो जाता है, हो जाता है। भाग सिंह दमदमा जो सदियों से चल रहा था कम से कम आपके आने के बाद तो सुधर जाता, दस्ते की छापेमारी तो चलती रहती है दमदमा साहब, सुधरता क्या है? जवाहर यादव खुद ईमानदारी से कह रहे हैं कि सुधार के लिए कोशिश होनी चाहिए लेकिन हो नहीं पा रही है ना, एक्शन का परिणाम क्या होता है, रिजल्ट क्या निकलता है तत्काल ये पता चलना चाहिए, प्रक्रिया बड़ी लंबी हो जाती है।
अतुल जी, आज हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के अंदर जिस प्रकार से छापामारी की गई, ये एक तरफ से सुशासन यानी कि गुड गवर्नेंस का एक उसी का एक पार्ट है कि जो प्रदेश के नागरिक हैं, सरकार जो कि डिपार्टमेंट है वो सरकार का ही एक अंग है कि उन्हें किसी प्रकार से किसी तरह की दिक्कत ना आए। आज खुले तौर पर हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर तकरीबन इस प्रकार की छापेमारी की गई और जो अधिकारी नदारद मिलते हैं उनके ऊपर कार्रवाई भी निश्चित रूप से की जाती है। वो जैसे अभी जवाहर भाई ने मुझसे पहले बताया है कि वो कार्रवाई कई प्रकार से होती है। एक तो हर किसी को उस चीज का नोटिस जरूर जाया करता है कि आप अनुपस्थित मिले उसका कारण बताइए। कईयों का तो सेटिस्फाई ऐसा रीजन आ जाता है कि जिस प्रकार से किसी की मजबूरी भी हो सकती है वो अलग विषय से, लेकिन उसके बाद बहुत से ऐसे पार्ट हैं जो स्टेप हैं, एसीआर लिखी जाती है, कल को प्रमोशन में उन लोगों के, क्योंकि ये भी एक इसको कह दें कि आप बहुत स्मॉल स्केल पर अगर आप कहें कि वो अपने कर्तव्य के प्रति निर्वाह जो सही तरीके से नहीं कर पा रहे तो जितना कसूर है उनका उस हिसाब से डिपार्टमेंट के तौर पर उन हर उस व्यक्ति के ऊपर कार्रवाई की जाती है जो नदारद मिलता हो। उसकी रेशो देखी जाती है कि किस प्रकार से उसकी रिप्लाई के अंदर कहां क्या कारण आया है। और जो पिछली भी अभी छापेमारी इसी तरह डिपार्टमेंट में हुई थी, हर किसी को उसका नोटिस गया है, उस अधिकारी से जवाब तलबी की गई है, उस कर्मचारी से जवाब तलबी की गई है कि आपने ये, क्योंकि अब जो अप्रैल शुरू होगा उससे पहले हर किसी की एक एसीआर वगैरह सभी लिखी जाती है, तो वो उस चीज के अंदर जो सेटिस्फाई जवाब नहीं दे पाएगा उनके ऊपर एक विभाग की कार्यवाही होती है, जो कल को उनको पदोन्नति वगैरह में, उनको प्रमोशन वगैरह में इन चीजों की बड़ी दिक्कत आती है। इसके अलावा और तरह से भी रिकॉर्ड भी चेक किए जाते हैं, क्योंकि सरकार, हमारी सरकार पूरी पारदर्शिता से काम कर रही है कि प्रदेश के किसी भी नागरिक को किसी भी विभाग के अंदर किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो। अभी लोहान साहब ने जरूर बताया कि मेरा बर्थ सर्टिफिकेट नहीं बन पा रहा। मैं जरूर कहता हूं कि लोहान साहब मेरी उम्र के होंगे या साल दो साल ऊपर होंगे कि जिनका बर्थ सर्टिफिकेट 1975, 1980, 1982 इस सन के अंदर हुआ, तो उनको हर तरफ से कार्रवाई अमल में लाने की प्रक्रिया थोड़ी लंबी जरूर है, क्योंकि हर तरफ से आप, कई बार आंगनबाड़ी उस समय नहीं थी, चौकीदार सिस्टम था, चौकीदार से रिकॉर्ड लेना, नगर पालिका में है, ग्रामीण में है, सिविल सर्वेंजन पे जाएगा, एमसी में जाएगा, डीसी साहब पे फाइल जाएगी, क्योंकि ये जो प्रक्रिया आपको बताई है कि सुशासन के रूप में यदि किसी बच्चे का बर्थ होता है वो तत्काल उसको अप्लाई करते हैं तो उसको तत्काल जो 21 दिन का समय है वो 21 दिन के अंदर उसको सर्टिफिकेट दिया जाता है, वो सर्टिफिकेट उसकी कार्रवाई का एक हिस्सा है, उसका अधिकार है। लेकिन नोटिस जाता है क्या? ये अधिकारी कर्मचारी इतने सरल हैं कि नोटिस के चक्कर में फंस जाएंगे और विभाग को सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे? अतुल अपना सवाल एक बार दोबारा से दोहराइए, मैं जवाब। पांचाल साहब, सीधा सा मेरा सवाल है कि आपने सरकार का पक्ष सुन लिया, सरकार के सहयोगी का पक्ष सुन लिया, उनका कहना है एक प्रक्रिया होती है, कोशिश करते रहना चाहिए, बिल्कुल सही बात है, नोटिस दिया गया है, नोटिस दिया जाता है, क्या इन सबसे सुधार हो रहा है क्या? देखिए, अगर हम व्यवहारिक तौर पे देखें तो ये सब उलझाने वाली चीज़ें हैं। आम लोग ये जानना चाहते हैं कि आपने छापेमारी की, उसका एक्शन क्या हुआ, आपने कागज़ों में उसको डिफॉल्टर घोषित किया, आपने कागज़ों में उसको गलत बता दिया, आपने कागज़ों में बताया कि उसका, उसकी एसीआर हमने ख़राब कर दी है, कागज़ों में आपने बताया कि उसने अपना जवाब सही दिया है, वो किसी व्यवहारिक परेशानी में था जो कर्मचारी या अधिकारी जो लेट आया था। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये चीज़ें व्यवहारिक तौर पे लोगों के सामने, आप एक बात तो ये है कि आप प्रस्तुत नहीं कर पा रहे हैं, दूसरा आप जवाब नहीं दे पा रहे हैं कि आपने किया क्या। जवाहर जी बहुत व्यवहारिक, मतलब मंझे हुए राजनेता हैं अब, और वो जानते हैं कि चीज़ों को किस तरह से घुमाया जाता है, और यहाँ वो कामयाब भी हैं अपने तौर पे, लेकिन जनता आपके इस जवाब से संतुष्ट नहीं है। जवाहर भाई, मैं आपको बिल्कुल सीधे तौर पे बता रहा हूँ, आप कार्रवाई बताइए कि आपने कार्रवाई क्या की है। बहुत अच्छा सवाल अभी बीच में हुआ था, मैंने सुना कि आप पिछले दिनों आपने RTA ऑफिसेज में छापेमारी की थी CM फ्लाइंग स्क्वाड ने, लेकिन उसका रिजल्ट क्या हुआ, उसका जवाब तो आप लोगों को बताइए ना। आपने क्या किया उन अफसरों के खिलाफ जिसके खिलाफ आपने इतने बड़े बड़े स्कैंडल्स पकड़े हैं, आपने क्या किया है जमीनी तौर पे, क्या किया उन अफसरों के खिलाफ?
जवाहर भाई जल्दी से जवाब दीजिए। और पंचाल साहब, जवाहर जी सिर्फ मजे हुए राजनेता नहीं है बल्कि व्यवहारिक भी है, ऐसा नहीं है, और व्यवहारिक तौर पर ही वो जवाब देते हैं जवाहर भाई, लेकिन वार्षिक रिपोर्ट वाला व्यवहारिक नहीं लग रहा है। छापेमारी हो जाए फिर कहें वार्षिक रिपोर्ट का इंतजार करिए। सर इसको अतुल जी, इसको कौन देखेगा कि किसकी एसीआर खराब हुई और किसकी एसीआर में गड़बड़ी हुई? ठीक है, जवाहर जी से जवाब ले लेते हैं, पंचाल साहब जवाब ले लेते हैं जवाहर जी से। जवाहर जी जल्दी से मैं बताता हूं। देखिए हमारे सुशासन की विशेषता देखिए कि रणवीर लोहान जी भी भाजपा की सेकंड सरकार में पैदा हो रहे हैं, कि इनको लगा कि यार इस सरकार में तो मेरा जन्म प्रमाण पत्र बन सकता है, ना चौटाला की सरकार में लगा, ना हुड्डा साहब की सरकार में लगा, ना बाकी किसी सरकारों में लगा होगा। तो ये भी सुशासन की तरफ एक बढ़ता हुआ कदम है कि एक व्यक्ति जो सालों पहले पैदा हो गया परंतु उसको लगा यार अगर कहीं जन्म प्रमाण पत्र मिल सकता है तो वो मनोहर की सरकार में मिल सकता है। तो ये एक पहल है, इसको समझना होगा, या ना कि लोग समझते हैं, नहीं तो इन्हें लोग कभी जन्म प्रमाण पत्र बनाने की बात करें वो कहेंगे जन्म पत्र चाहिए क्यों, मैं इन लोगों का कार्यकर्ता हूं, मेरा काम तो वैसे ही होना चाहिए। तो ये सुशासन की मैं सकारात्मक पहल मानता हूं और अपने भाई को धन्यवाद देता हूं कि इन्होंने हमारे रास्ते पे चलने का प्रयास किया, नंबर एक। दूसरा नवीन जी ने कहा कि सरकारी अधिकारी के, देखिए सरकारी अधिकारी का जो सिस्टम है उसमें वास्तव में एसीआर की और जो उसको पनिशमेंट मिलती है वो कागज के माध्यम से ही मिलती है। मैं किसी को, मान लीजिए मुझे तो अथॉरिटी नहीं है, जिनको भी अधिकारियों को या जो प्रशासनिक अधिकारी है चाहे वो मुख्यमंत्री से संबंधित जुड़े हुए लोग हो, चाहे वो मंत्री हो, चाहे प्रशासनिक अधिकारी हो, जिनको ये अथॉरिटी होती है कि वो किसी को पनिशमेंट दे सके, तो वो मौखिक कभी नहीं होती, वो लिखित में ही आएगी और वो लिखित के आधार पर ही होता है, मौखिक आदेश कोई नहीं। आदेश अब जवाहर जी सवाल ये है ना, जवाहर जी मैं रोक कर आपको एक सवाल ले रहा हूँ, छोटा सा उसका जवाब दे दीजिएगा, उसके बाद मैं रंजीता के पास जाऊंगा। मेरा बड़ा व्यवहारिक सवाल है, आप कहते हैं कि एक प्रक्रिया है, मैंने मान लिया, पंचाल साहब का यही कहना था कि वो प्रक्रिया बड़ी लंबी है, उसका कुछ जल्दी से रिजल्ट निकलता तो दिखता, और आप कहते हैं कि लोहान साहब को अब उम्मीद जगी है कि हाँ इसी मनोहर सरकार में ही प्रमाण पत्र बनेगा। अरे भाई उम्मीद जगी है ये तो अच्छी बात है ना, चौटाला और हुड्डा में नहीं जगी, आप में जगी है तब भी नहीं बन पा रहा है उनका, उम्मीदों पर पानी फिर रहा है। उत्तर दे रहा हूँ मेरे मित्र, हाँ मैं वही बता रहा हूँ, मैं जो मेरे मित्र रणवीर लोहान जी ने कहा, जो इन्होंने अपनी एप्लीकेशन जो भी प्रक्रिया को चलाया होगा पूरा किया होगा, अगली डिबेट तय कर लीजिए, अगली डिबेट में मैं नवीन पंचाल जी के प्रश्नों का भी उत्तर दे दूंगा कि किस किस प्रशासनिक अधिकारी पे जब ऐसी छापा मारी गई तो क्या क्या पनिशमेंट दी गई, क्योंकि मुझे इसका नहीं मालूम अभी, तो मैं गलत तथ्य कभी रखता नहीं। दूसरा मेरे इनेलो के मित्र है रणबीर जी, इन्होंने भी उस प्रक्रिया में किया, मैं ये ओनियर कहता हूं कि अगर वहां कहीं देरी सरकार की किसी प्रक्रिया के तहत हुई होगी तो उस अधिकारी पर भी कार्रवाई होगी, ऐसी मैं इनकी आवाज सरकार के लोगों को, चलिए बस यही कमिटमेंट चाहिए जवाहर भाई, यही कमिटमेंट चाहिए, कह रहा हूं लोगों के, जवाहर यादव ऑन एयर ये कमिटमेंट दिखा सकते हैं, अधिकारी और कर्मचारी वो कमिटमेंट क्यों नहीं कर रहे हैं? एक तो इतने साल के बाद जन्म प्रमाण पत्र की उम्मीद जगी लोहान साहब को, और बेचारे फिर भी दो महीने से चक्कर काट रहे हैं। चलिए आप खुश हो जाइए सर, जवाहर यादव ने आपको कमिटमेंट दिया है, एक्शन भी होगा पत्र भी बनेगा। रंजीता मेहता बहुत जल्दी से टिप्पणी आपसे भी चाहूंगा, एक सप्ताह में आप कहती है कि डिपार्टमेंट के नाम से वो जाना जाता था, यानी कुल मिलाकर एक बात तो क्लियर है कि बड़े खिलाड़ी वहां पर हैं, तो बड़े खिलाड़ी क्या छापेमारी से डर जाएंगे, वो कर्मचारी हो या अधिकारी हो, मैं सबके बात नहीं कर रहा, वहां बड़े सारे ईमानदार भी होंगे। मैं आपको अतुल जी यही, केवल ये डिपार्टमेंट नहीं बाकी डिपार्टमेंट्स के बारे में भी बताना चाहूंगी। अभी पीछे कैग की रिपोर्ट आई कि माइनिंग घोटाला हुआ, 1476 करोड़ का माइनिंग घोटाला हुआ, आप बता दीजिए किसके खिलाफ, कौन सी माइनिंग वाले का जो लाइसेंस है वो कैंसिल किया गया, और आज इतने यमुनानगर का जो सबसे ज़्यादा बात होती थी कि वहाँ पे रास्ता ही चेंज कर दिया गया है यमुना नदी का, वहाँ पर आज की ताज़ा खबर है और आपके टीवी पर ही चल रही थी कि जो माइनिंग के साथ छेड़छाड़ करते हैं और लोगों को थोड़ा बहुत रोकते हैं या अधिकारी कुछ करते हैं, तो वहाँ पर आज गाड़ी के शीशे तोड़कर जिस तरीके से उनके हौसले बुलंद हैं और पुलिस लापता है, तो साफ नजर आता है कि कार्रवाई के नाम पे जीरो है। अभी जवाहर जी बात कर रहे थे कि हमने आधार कार्ड लिंक किया और इतने बड़े घोटालों को उजागर किया, तो मैं इनको ये भी याद दिलाना चाहूंगी, एक छात्रवृत्ति घोटाला पकड़ा गया था आपकी सरकार के दौरान ही, 44 करोड़ की छात्रवृत्ति घोटाला हुआ था,
उसके अंदर आपको जानकर ताज्जुब होगा कि सिर्फ एक एसआईटी बनाकर छोड़ दी और जिस अधिकारी ने उस घोटाले को उजागर किया संजीव वर्मा उस बेचारे को ही उस डिपार्टमेंट से हटाकर पटकर कहीं और भेज दिया गया और उसके बाद वो फाइलें बंद कर दी गई। तो इस तरीके की कार्रवाई का क्या फायदा? आप कार्रवाई करते भी हैं, एसआईटी बनाते भी हैं, अधिकारियों को लगाते भी हैं, जांच भी करवाते हैं और उसके बाद जब सजा देने की बारी आती है, एक्शन लेने की बारी आती है तब वो फाइलें जो है डस्टबिन में चल जाती है। अब ये रंजीता जी ये प्रक्रिया भी तो पुरानी है और परंपरा भी पुरानी है ना। आप बार बार ये कह रही हैं ये प्रक्रिया और परंपरा भी पुरानी है। मैं उत्तर दे दूं जी। कभी सीएलयू बदल दिए जाते थे, आज नदियों के रास्ते बदल दिए जाते हैं, कमेटियां पहले भी बनती थी, रिपोर्ट कभी नहीं आती थी। हाँ जवाब जी जल्दी से लेकिन जवाब दीजिएगा बहुत छोटा सा, उसके बाद मैं लोहान साहब के पास जाऊंगा। छोटा सा जवाब मैं उत्तर दे दूं। देखिये जिस छात्रवृत्ति घोटाले की बात की है, ये छात्रवृत्ति घोटाला हुड्डा साहब के समय में खूब पोला पोसा गया और इसके बाद इसकी जो एसआईटी गठित हुई उसकी कोई अभी तक ऐसी रिपोर्ट नहीं आई है कि वो उसको बंद कर दिया गया। जांच चल रही है चाहे हमारी सरकार के समय में हुआ हो चाहे पिछली सरकार के समय में हुआ हो, मैं अपनी बात कहूं। उसके बाद इसमें जो भी इस घोटाले में शामिल होगा उसको कठोर से कठोर सजा मिलेगी। ठीक है जवाहर भाई, मैं समझ गया, अभी रिपोर्ट नहीं आई है तो उस पर हम बोले क्या, अच्छी बात है। लेकिन वही तो सवाल है ना रवीन पांचाल का, वही सवाल था। प्रक्रिया बड़ी लंबी हो जाती है सर, आदमी भूल जाता है, हम भी भूल जाते हैं और फिर से काम वही शुरू हो जाता है। आऊंगा जवाहर भाई, मैं आपके पास आऊंगा, छोटे छोटे कमेंट चाहूंगा। रणवीर लोहान जवाहर यादव का कहना है एक हफ्ते का कमिटमेंट भी वो ले रहे हैं ऑन एयर बैठकर। उसके अलावा वो ये भी कह रहे हैं कि उम्मीद भी तो आपको इसी सरकार में जगी है, आप खुद का भी प्रमाण पत्र लेने के लिए निकले हैं, मिल नहीं पा रहा वो अलग बात है, तो उम्मीद पर दुनिया कायम है। जी अतुल जी, मैं जवाहर यादव जी को मेरे भाई को एक बात बताना चाहूंगा कि मैं एक साल से ही इंडियन नेशनल लोकदल में हूं और मैं भारतीय जनता पार्टी में ही था, चौधरी वीरेंद्र सिंह जी के साथ में बीजेपी में आया था। मैं बीजेपी में कुछ ऐसे मंत्री थे जिनके भ्रष्टाचार की दुखी होकर के मैंने भारतीय जनता पार्टी को छोड़ा और अभय सिंह चौटाला जी के लाड और प्यार की वजह से मैंने इंडियन नेशनल लोकदल ज्वाइन की। और रही बात मेरे एक हफ्ते के काम की, मुझे तो इस समय जरूरत पड़ी थी, तो बहुत बढ़िया बात अगर आप एक हफ्ते में करवा दे। मेरा नहीं, मैं टीवी पे ऑन रिकॉर्ड कहता हूं कि मेरा नहीं, मेरे जैसे लाखों लोग हैं, किसान हैं, जिनका एक हफ्ते में काम होना चाहिए और तीन तीन चार चार महीने नहीं होते। और दूसरी बात, मैं यादव जी से कमिटमेंट और लेना चाहूंगा, अगर ये ऐसे ही कमिटमेंट करते हैं तो तीन महीने में, चार महीने में, छह महीने में आप नशा खत्म कर दे, मैं हमेशा हमेशा के लिए आपका कायल रहूंगा। चलिए आज तो वाकई ईमानदारी की पराकाष्ठा ही हो रही है। तब बना था ना अब बना है। लोहान साहब ऐसे लाड प्यार इस वक्त सिर्फ लाड प्यार ही रह गया है, बाकी कुछ तो ज्यादा नहीं रह गया, लेकिन बरकरार रहे, आशीर्वाद बना रहे, मैं उम्मीद करूंगा। दमदमा साहब इतना तो बदलाव आना चाहिए था। ये तो बहुत लोग बदल जाते हैं, प्रवक्ता इधर से उधर चले जाते हैं, सिस्टम नहीं बदल पा रहा है। सर जवाहर भाई आऊंगा आपके पास। दमदमा साहब देखिए, अभी पूरी कार्रवाइयों के बारे में मेरी बहन रंजीता मेहता जी ने बात की कि किसी के ऊपर किसी तरह कोई कार्रवाई कहीं नहीं हुई, चाहे वो कैथल के अंदर आरजी इंटरप्राइजेज हो जिसके ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ है, और चाहे जो अभी यमुना के बहाव मोड़ने की बात हुई हो, हमारे ही सरकार के विभाग ने संज्ञान लिया, सरकार की पारदर्शिता देखिए, चाहे सिंचाई विभाग ने दर्ज करवाया, आनंद कंपनी और डीएसपी, इन दोनों कंपनियों के ऊपर मामले दर्ज किए गए, और माइनिंग के अंदर सरकार ने भी, माइनिंग में बात उठी है, मैं कहता हूं कि कालका से लेकर होडल पलवल तक चले जाइए, चाहे सार तक चले जाइए, सिरसा, चाहे महेंद्रगढ़ तक चले जाइए, अगर हर पुलिस स्टेशन में आपकी टीम जाए, हर पुलिस स्टेशन के अंदर अवैध माइनिंग करने वाले टिप्पर और पोक लाइन एनजीटी की गाइडलाइन के हिसाब से ना खड़ी हो, तो मैं ऑन ईयर चैनल के ऊपर बात कह रहा हूं कि सरकार की पारदर्शिता है इस तरह के अवैध धंधों और अवैध काम को रोकने के लिए हर तरफ से हमारी जो कार्य थाने के अंदर। इसके अलावा नशे के ऊपर बात की, अभी नशे के ऊपर प्रदेश के अंदर खुदाई करवाने वाले, धंधा अवैध खनन करवाने वाले इंसान होते हैं, वो कितने चलाने वाला साहब सर पे नहीं ढोएगा। एक टिप्पर 40 लाख रुपए का आता है, जिसका एक टिप्पर थाने के अंदर खड़ा है, दूसरा थाने के अंदर खड़ा है, 40 लाख आए अवैध खनन वालों के लिए, 40 लाख क्या है साहब? आप टिप्पर के कीमत और पोकलैंड की कीमत पर चैलेंज करेंगे?
धंधा करने वाले धंधा ऐसे न जाने कितने पोकलैन फेंक देते हैं। मैं साहब उसी को जला देते हैं, मैं एकदम उसी में बात जाऊंगा। यदि उन लोगों की कमर टूटती है तो जी, उन लोगों की कमर टूटती है जब उनकी गाड़ी थाने में खड़ी होती है, इंसानों की कमर टूटने लगे तो हो चुका। उनकी कमर तोड़िए जो पोकलैन खरीदने की हैसियत ताकत रखते हैं। फिर इसमें तो मुकदमे के लिए शोरी लगा रहा हूं, प्लीज आप कोशिश कर रहे होंगे, मुकदमे इनके ऊपर पिछले हो जाएगा, चुके हैं वो विषयांतर हो जाएगा। पोकलैन टिप्पर ड्राइवर खलासी इनको आप पकड़कर और जब्त करके सील करके अगर एक्शन लेने का दावा कर रहे हैं, मुबारक हो आपको। मुख्यमंत्री नवीन पांचाल साहब आपने एक सवाल पूछा, जवाहर जी ने ईमानदारी से उसका जवाब दिया कि अभी उनके पास उसकी डिटेल नहीं है, अगली डिबेट में शायद वो डिटेल भी रख देंगे। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि रंजीता जी भी कह रही हैं कांग्रेस की प्रवक्ता कि वो डिपार्टमेंट हरासमेंट डिपार्टमेंट के नाम से उनके दौर में जाना जाता था। रणवीर लोहान इनेलो के हैं, वो कहते हैं सदियों से ये डिपार्टमेंट ऐसा ही है, इनके लोग ऐसे ही है, यानी सदियों की प्रथा परंपरा बरकरार है छापेमारी के दौर में भी। रंजीता जी ने थोड़ा ना छोटा उसको कर दिया, और उसका एक्चुअल में नाम हुड्डा जो था वो उसकी फुल फॉर्म ये थी, हेडेक अंटिल डेथ। आप विश्वास कीजिए कि दो दो तीन तीन पीढ़ियां हो गई लोगों की, मुकदमेबाजी खत्म नहीं हुई, प्लॉट्स अलॉट जिनको हुए वो आज तक तरस रहे हैं, वो ढूंढ रहे हैं। और जिन लोग बोलिए हो सकता है तो खैर ऐसे 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 भी एलोटीज हैं जो जिनकी दो दो तीन तीन पीढ़ियां चली गई लेकिन उनको प्लॉट अलॉट नहीं किए गए। और आप यू वॉन्ट बिलीव के एक बहुत सीनियर आईपीएस अधिकारी की पत्नी के नाम पुराने प्राइस रेट प्राइस पे इंडस्ट्रियल प्लॉट अलॉट कर दिया गया। मतलब ये सब क्यों हो रहा है? आप ऐसी चीज़ों को एग्जाम्पल ऐसे इस्टेब्लिश करना चाह रहे हैं जो आज तक हुए नहीं। मतलब आप दूसरी सरकारों के जो पिछली सरकारें रही हैं उनके नक्शे कदम पर आप चल रहे हैं और आप कह रहे हैं कि आप कुछ अच्छा कर रहे हैं। आपने लोगों के अंदर जो उम्मीद जगाई है वो कम से कम उसको आप पूरा तो कीजिए। और जवाहर जी आप अगर आप अगले हम लोग डिबेट की बात करें तो मैं कुछ और मुद्दे आपके सामने रख दूं, अगर आप अगली डिबेट पे उन मुद्दों का जवाब भी अगर आप खोज के ला सकें। मेरा एक पहला सवाल है कि अभी तक किंगडम ऑफ ड्रीम्स वाला जो घोटाला जिसके 200 करोड़ रुपए 250 करोड़ रुपए जिसके किराए के तौर पे हुड्डा को जिसको जमा कराने हैं, एचएसबीपी के खाते में जिसको जमा कराने हैं, वो क्यों नहीं हुआ? आप मुझे बताइए कि जो रैपिड मेट्रो ने जो 250-300 करोड़ रुपए इलीगल पब्लिसिटी से जो कमा रखे हैं उसका अमाउंट क्यों नहीं जमा हुआ? सिर्फ 100 रुपए के स्टैम्प पेपर पे आप रैपिड मेट्रो गुड़गांव में चला रहे हैं सर, जिसको आप देश की पहली रैपिड मेट्रो कह रहे हैं, निजी मेट्रो कह रहे हैं, लेकिन आप मुझे बताइए तो सही कि वो आपने क्या किया, उसमें एक्शन क्या लिया? 300 करोड़ रुपए ठीक है। जवाहर जी छोटा सा इसका जवाब दीजिए, उसके बाद मैं रंजीता के पास जाऊं, अब समय थोड़ा कम है। बात कर रहे हैं जवाहर भाई, आप इसका इसका जवाब ले लेते हैं। नवीन जी इसका जवाब ले लेते हैं, जवाहर यादव छोटा सा जवाब। तीनों का उत्तर देता हूं, हां बिल्कुल जल्दी से तीनों का उत्तर देता हूं। एक तो इन्होंने कहा कि किसी आईपीएस की पत्नी को जिसका हक नहीं बनता था और पुराने रेट पर उनको कोई प्लॉट दे दिया गया, मुझे वो जानकारी दे। अगर डिपार्टमेंट ने दिया होगा तो उस पर क्या कोर्ट की गाइडलाइन होगी या किसी अधिकारी ने अपनी इच्छा से दे दिया? मैं उसके दस्तावेज अगर आप टीवी डिबेट में नहीं होगा व्यक्तिगत रूप से भी आपको भिजवा दूंगा, मैं और आप अच्छे मित्र मिलते रहते हैं। दूसरा, इन्होंने ये कहा कि जी रैपिड मेट्रो 100 रुपए के सर, रैपिड मेट्रो अगर 100 रुपए के किसी उस पर विज्ञापन दे रहा होगा तो मेरे बगल में रंजीता मेहता जी बैठे हैं, ये प्रश्न तो उनसे होना चाहिए ना कि मुझसे होना चाहिए, क्योंकि ये कहती है इनके समय में रैपिड मेट्रो शुरू हुई थी। दूसरा, अरे सर एक मिनट अपनी बात कर लेता हूं, मैं अपनी बात नहीं नहीं आप जवाहर जी देखिए डाइवर्ट मत कीजिए मुद्दे को। जो इन्होंने कहा कि इल्ली सर मैं उत्तर दे रहा हूं, देखिए आप मुझे बीच में मत टोकिए मेरे बात कहिएगा। मेरे मित्र नवीन जी ने यह भी कहा कि वहां इलीगल विषय को लेकर उसको लेकर जिसको कुछ लोग इलीगल कहते हैं, रैपिड मेट्रो वाले कहते हैं कि ये हमारे इसमें आता है, कोर्ट से उसमें स्टे है, आपकी जानकारी ठीक करता हूं, वो स्टे मैंने व्यक्तिगत रूप से देखा हुआ है, वो लोग हाई कोर्ट से स्टे लेके आए हुए उसको लगाने के, वो मुझसे भी मिले थे दो तीन बार कि देखिए जी आपका डिपार्टमेंट हमें परेशान करता है और हमें कोर्ट का स्टे है, तो कोर्ट के स्टे से सरकार बड़ी नहीं होती, जब उस पर माननीय न्यायालय का जो भी निर्णय आएगा सरकार उसको 100% इंप्लीमेंट करेगी। दूसरा, इन्होंने एक विषय उठाया केओडी को लेकर कि उसका कुछ राजस्व है जो कि जमा होना चाहिए एचएसवीपी को, वो नहीं हुआ है। निश्चित रूप से ये तथ्य इनके ऐसे हैं जो कि इनके लगभग सत्य के करीब है,
उसके ऊपर एचएसवीपी ने लीगल कार्रवाई की हुई है और आज वो मामला लगभग लगभग पूरा का पूरा वो कंपनी एनसीएलटी की तरफ बढ़ गई। ये एक प्रक्रिया है, सरकार चलती है संविधान के माध्यम से चलती है, डंडे के माध्यम से नहीं चलती। हाँ, अगर किसी ने कानूनी कोई स्टैंड नहीं ले रखा, हम उसकी कोई मदद कर रहे हैं, मुझे कोई दस्तावेज देंगे, मैं अपने मित्र का स्वागत करूंगा। ठीक है, ठीक है, चलिए। आईपीएस अधिकारी की पत्नी की बात है, मुझे आप उसका नाम बताइए, व्हाट्सएप कीजिए, मैं आपको प्रक्रिया है ना, उसी प्रक्रिया के चक्कर में ही कई प्रश्न मित्र खड़े कर देते हैं, बड़ी लंबी हो जाती है प्रक्रिया। बहरहाल, रंजिता मेहता, फाइनल कमेंट आपका बहुत संक्षेप में। संविधान तो मेरे हाथ में नहीं ना, ये मैं भी कह रहा हूँ ना, उसमें सुधार तो हो सकता है, सुधार भी तो रहे थे जवाब भाई, आप भी जानते हैं, अगर कोई प्रक्रिया इतनी लंबी है तो उसको प्रक्रिया को सरल कर देना चाहिए। 1200 से ज्यादा कानून मोदी जी ने खत्म किए हैं, ऐसी चीजें भी बनानी चाहिए, आप भी कर पाएंगे ना। मैं रोक रहा हूँ सर, मेरे पास समय नहीं, और एक एक करके बोले। रंजिता मेहता, फाइनल कमेंट, और एक मिनट से भी कम का समय। दो कमेंट में आपने बार बार यही कहा कि परिणाम क्या, कोई एक नाम बता दे, एक्शन क्या। चलिए मैं आपको मौका देता हूं, अपने दौर का एक एक्शन बता दीजिए कि इस हरासमेंट डिपार्टमेंट, या जो नवीन भाई बता रहे थे कि डेथ वाला डिपार्टमेंट, उस पर आपका कौन सा एक्शन मिसाल था जो ये सरकार नहीं कर पाई। देखिए, निश्चित तौर पे अतुल, जब इस तरीके की हमारे समय में कुछ भी होता था तो जो वहाँ के ईओ होते थे उसके ऊपर कार्रवाई तुरंत रूप से होती थी, और बहुत से ऐसे अधिकारी हैं जिनको कि तुरंत उस समय सजा भी मिली और उनको उस पोस्ट से हटाया भी गया जब घोटाला उजागर हुआ। पर मेरा ये मानना है कि आज खट्टर साहब पोस्ट से हटाना कार्रवाई होती है, कि मैं मानता हूँ कि हरियाणा में भ्रष्टाचार हो रहा है, बहुत बहुत अच्छी बात है कि वो स्वीकार कर रहे हैं। पर आप ये देखिए कि बलराज कुंडू जो विधायक हैं, आज पूरी लंबी छोड़ी लिस्ट बनाकर देते हैं इनके मंत्री विश साहब को कि ये घोटालों की पूरी लिस्ट है और ये घोटाले हैं, और उसके बाद विश साहब भी उसके ऊपर एक्शन नहीं ले रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं इनके खुद के पुराने विधायक का नाम उसके अंदर आ रहा है। तो ये सब चीजें तब होंगी जब निश्चित तौर पे आप उसके ऊपर एक्शन लेंगे, एक्शन के बिना आप रिपोर्ट। यही तो मेरा रंजिता सवाल था ना कि आपने एक्शन क्या लिया था, एक मिसाल बताती तो मैं जवाहर भाई से पूछ लेता, लेकिन आपने कहा पोस्ट से हटा दिया जाता था, कार्रवाई होती थी, तो जवाहर जी भी कह रहे हैं कार्रवाई होती है और पोस्ट से हटा दिया जाएगा। बेरा, अब कुंडू साहब ने एक आरोप लगाया, कुंडू साहब पर दूसरा आरोप लग गया, मैं आरोप आरोप में वो खेल रहे हैं, वो खुद ही आरोप में गिर गए, तो मैं उस पर क्या बोलूं, छोड़ दीजिए, विषय अलग है। रणवीर लोहार, इतना ही समय आपके लिए, फाइनल कमेंट, उम्मीद आपकी लगी है तो उम्मीद आप कर सकते हैं, एक्शन का परिणाम भी उसी दिन दिखाई दे, एक हफ्ते में दिखाई दे, ये उम्मीद होनी चाहिए ना। देखिए अतुल जी, अतुल जी मेरे वाले काम को तो छोड़ दो, मैं तो जवाहर यादव जी से एक कमिटमेंट लेना चाहूंगा। मैं पहले भी पूछ रहा था, मैंने सोचा कि आप देंगे जवाब कि नशे को कब खत्म कर रहे हो आप हरियाणा से, मैं ये कमिटमेंट लेना चाहूंगा। चलिए ठीक है, इसका भी जवाब जवाहर भाई देंगे। दमदमा साहब, फाइनल कमेंट आपका बहुत संक्षिप्त। देखिए, आज के इस प्रकरण के अंदर जो सरकार सुशासन के ऊपर काम कर रही है, गुड गवर्नेंस देने में, चाहे कोई कितना भी बड़ा अधिकारी हो, चाहे वो कोई कितना भी बड़ा नेता हो, साक्ष्य के साथ सरकार के पास या जो भी संबंधित जांच एजेंसी है, चाहे माननीय न्यायालय है, उसके पास जाए और जो भी दोषी पाया गया, चाहे वो बड़े से बड़ा अधिकारी, बड़े से बड़ा नेता हो, चाहे कोई छोटे से छोटा हो, उसके ऊपर निश्चित रूप से कार्रवाई करेंगे। और जिस प्रकार की भी कहीं अनियमितता पाई जाती है उस प्रकरण में, उस प्रकरण और क्षेत्र के अंदर किसी भी मामले में कहीं कमी आती है तो एक एक रुपए की वसूली भी की जाएगी और हर व्यक्ति के ऊपर उस तरह की जो कार्रवाई बनती है संविधान के अनुसार, वो उनके ऊपर कार्रवाई भी की जाएगी। सरकार पूरी तरह से ट्रांसपेरेंसी के हिसाब से हर कार्रवाई के आंकड़े सार्वजनिक कर रही है ताकि प्रदेश की विपक्षी पार्टी के साथ साथ इस प्रदेश की जनता भी उन आंकड़ों को देखे और सरकार की कार्रवाई को वह स्वयं देखे कि हमारी सरकार किस प्रकार से कार्रवाई की जा रही है। तो सबसे पहले हमारा यही उद्देश्य है। आप एक एक रुपया वसूलना चाहते हैं, वहां अधिकारी समय पर ही नहीं आ रहे हैं, आप एक एक रुपया वसूलना चाहते हैं, विभागों पर करोड़ों करोड़ों का बकाया, इस पर कई अलग अलग विषय हैं जिस पर हम चर्चा कर चुके हैं, करेंगे, ये आपका कमिटमेंट है, अब इसको भी हम देखेंगे भविष्य में। नवीन पांचाल, बहुत जल्दी से एक छोटा कमेंट, फिर जवाहर जी के पास जाऊंगा फाइनल कमेंट के लिए। सिर्फ इतना नवीन पांचाल, कमिटमेंट तो हो जाते हैं टीवी डिबेट में, एक्शन भी होता है और वो हम दिखाते भी है मीडिया के चैनल के तौर पर, हमारा जितना अधिकार क्षेत्र है, लेकिन वाकई क्या इतना बदलाव आया है कि कम से कम अधिकारी कर्मचारी समय पर आने लगे हैं? काम तो तब करेंगे जब समय पर रहेंगे दफ्तर में, वही नहीं दिख रहा है।
देखिए आप ये जान लीजिए कि दो अलग अलग चीज़ें हैं। मैं आपको गुड़गांव के एक HSVP दफ्तर का उदाहरण देता हूँ। आप आम नागरिक के तौर पे उस दफ्तर में एंटर नहीं कर पाएंगे, और ये दफ्तर है EO2 का। आप आम नागरिक के तौर पे अगर आप चाहेंगे कि आप किसी अफसर से मिल लें एंटर करके दफ्तर में, तो आप पॉसिबल नहीं है, आपको बहुत लंबी प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। उससे अच्छा ही आप ये समझेंगे कि मैं या तो वापस चला जाऊं या किसी दलाल को जो बाहर बैठे रहते हैं उनको पैसे दूं और काम कराऊं। और जवाहर भाई जो बार बार बात कर रहे हैं कि हम एक्शन लेंगे, हम लोगों ने मतलब नेक्स्ट डिबेट में हम लोग बैठेंगे इसके जवाब को लेकर के, तो मुझे नहीं लगता कि ये अभी तक ऐसी कोई व्यवस्था डेवलप कर पाए हैं पिछले 5.5 सालों में जो अफसरों के ऊपर नकेल कस सके या उनके खिलाफ कोई ऐसा ज़मीनी कार्रवाई कर सके जिससे वो सिटीजन चार्टर को लागू करवा पाएँ। ठीक है, पंचाल साहब मैं रोक रहा हूँ, समय नहीं है। जवाहर जी जल्दी से जवाब, बहुत संक्षेप में जवाब दीजिएगा। एक तो वरिष्ठ पत्रकार जो हैं, जो आपके मित्र भी हैं, उनको नहीं लगता कि आपने इतनी महारत हासिल की है कि आप ऐसा कमिटमेंट कर पाएंगे, तो उनको एक तो आश्वस्त करिए, सेटिस्फाई करिए, और एक सेटिस्फैक्शन चाहिए लुहान साहब को भी, आपका नशा के प्रति अगर कमिटमेंट यहीं दिख जाए तो वो बार बार कह रहे हैं कृतज्ञ हो जाएंगे। देखिए, एक पार्टी के शीर्ष नेता तो नशा करते थे, और ये अनेकों पत्रकारों ने लिखा, अनेकों उस प्रकरण में आया, मैं उस पर जाना नहीं चाहता। परंतु अभी दीपेंद्र हुड्डा जी ने नशे को लेकर एक ट्वीट किया, और पहले दिन की खबर वो भूल गए कि उनके वर्तमान विधायक श्री कृष्ण हुड्डा के तथाकथित पोता जो मैं इनके बीच में नहीं आता, पहले आपका बात करें, आपकी बात खत्म हो गई, समय नहीं है भाई रंजीता, माफी चाहूंगा, आपको रोक रहा हूँ, समय नहीं है। जवाब जल्दी से, मैंने ये कहा कि श्री कृष्ण हुड्डा जो वर्तमान विधायक हैं, उनका तथाकथित पोता जो उनकी रिकमेंडेशन से चंडीगढ़ के सरकारी आवास में ठहरा, वो 201 ग्राम की हीरोइन के साथ चंडीगढ़ पुलिस ने पकड़ा, हरियाणा पुलिस ने नहीं पकड़ा। आपकी कानून व्यवस्था कहाँ थी यादव जी? रुकिए ना जी, आप रुकिए देख मिनट। और जो ये मेरे INLO के मित्र कह रहे हैं, इनके पूर्व विधायक जो डॉक्टर है, पिछली हमारी सरकार में बेटियों के पेट में हत्या करते हुए पकड़े गए, इनके जिलाध्यक्ष रह चुके हैं, ये बातें करते हैं, इनकी कोई कमिटमेंट नहीं है। जहां तक नशे को लेकर है, नशे को लेकर उत्तर भारत के यादव जी, अगर इनके बीच में पेट में दर्द हो गया, यादव जी में दर्द हो गया, आप मुद्दे से नंबर कम रहा था, कृष्ण हुड्डा का देखिए, चोर की दाढ़ी में तिनका ऐसे नगीने हर जगह पर है, किसी के यहाँ पर आपकी पार्टी में भी किसी के ऊपर कुछ आरोप लगाए, किसी पर कुछ आरोप लगाए, अलग अलग प्रदेशों में लगाए, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं पूरी पार्टी को गलत कह दूं। वही बात मैं दूसरों के लिए भी कहता हूँ, आपके लिए पैमाना वही उनके लिए भी, लेकिन नशे के लिए कमिटमेंट होना चाहिए, वो कोई भी करे, किसी के दादा करते थे, शीर्ष नेता करते थे, और CM अगर जांच कर रहा है और वहां पर खामियां पाई जा रही है, उसकी वार्षिक रिपोर्ट ना आए, उसका तत्काल कोई नतीजा दिखे, तब अधिकारियों पर असर होगा, ये मेरी उम्मीद है। पांचाल साहब भी यही कमिटमेंट चाहते थे। बहुत शुक्रिया जवाहर यादव आपका, रंजीता जी आपका, दमदमा साहब आपका, लोहान साहब आपका, और नवीन पांचाल आपका। तो CM दस्ते ने एक बार फिर से छापेमारी की, और छापेमारी में खुलकर आया कि वहां मक्कारी चल रही है। अब मक्कारी का एक ही इलाज होता है या सजा होती है कानून के हिसाब से, वो कब होगी, कैसी होगी, उसी पर सरकार की नीति नियति टिकी हुई है। नमस्कार।